मैं हूं आशीष। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में एनआईए के छापे पड़े, पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर एनआईए की रेड पड़ी है। कोटा से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एनआईए की टीम एक बार फिर से पहुंची है। अर्ली मॉर्निंग जो है वो पीएफआई के दफ्तर पर पहुंची है। इलाके में कार्रवाई कर वापस लौटी एनआईए की टीम। पीएफआई से जुड़ी जो है ये कार्रवाई बताई जा रही है। हालांकि किसको हिरासत में लिया गया, किसको नहीं, इससे संबंधित कोई पुष्टि नहीं हुई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई जो कि हिंदुस्तान में हो चुका है बैन, अब ऐसे में पूरे हिंदुस्तान में बैन है, इनका दफ्तर खोलने तक की इजाजत नहीं है। और अगर यहां पर कोई मूवमेंट देखी जाती है तो इस तरीके के एक्शन होते हैं। और ऐसे में एनआईए की टीम पहुंची कोटा अर्ली मॉर्निंग और यहां पर छापा मारा गया। के शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। के, किस तरीके की कार्रवाई रही पीएफआई के यहाँ पर जब एनआईए की टीम पहुंची? देखिए, आज सुबह ये टीम पहुंची थी, एनआईए की टीम। हालांकि इससे पहले तीन बार और कोटा में ये कार्रवाई हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पीएफआई की टीम से जुड़े कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ लोग थे जिनके आवाजों पर ये कार्रवाई की गई है। हालांकि फिलहाल किसी तरीके की ऑफिशियल वर्जन यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बता दूं आपको कि एनआईए की टीम अलसुबह कोटा पहुंची थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और किसी को साथ में ले जाने की पुष्टि भी अभी तक नहीं हुई है, यानी किसी को हिरासत में ले जाने की ये पुष्टि भी अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन कुछ जगह पर सर्च ऑपरेशन किया गया और सर्च ऑपरेशन के बाद में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लेकर के एनआईए की टीम वापस यहाँ से रवाना हुई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि तीन जो ठिकाने हैं यहाँ पर उन पर ये कार्रवाई की गई है। अब ये कार्रवाई कहाँ से गई थी और किस संदर्भ में आई थी इसको लेकर के फिलहाल किस तरह के खुलासे नहीं हो पाए, लेकिन कुछ समय बाद ये पूरे खुलासे भी हो पाएंगे कि किन किन आवासों पर कहाँ कहाँ पहुंची थी और किन किन उद्देश्य के साथ ये एनआईए की टीम पहुंची थी और क्या कुछ लेकर के गई। ये तमाम जो सवाल हैं कुछ देर के बाद ये जो तस्वीर है वो भी पूरी तरह से साफ हो पाएगी। क्योंकि बड़ी चीज ये है कि भाई एनआईए ने छापा मारा, ठीक है आपने जानकारी दी, लेकिन एक ये भी पहलू बड़ा अहम है कि पीएफआई पूरे देश में बैन हुआ है हाल फिलहाल में और इनके ना दफ्तर खोलने की इजाजत है ना ही इनके किसी प्रकार के मूवमेंट की इजाजत है। अगर कहीं ये कोई भी हरकत देखी जाती है तो इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इनके ऊपर मामला चल सकता है। अब ऐसे में क्या यहां पर जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या हाल फिलहाल की तस्वीरें हैं ये पीएफआई के दफ्तर की? क्या इनका दफ्तर अभी भी यहां से चल रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या कोटा में अभी भी पीएफआई के ये जो कार्यकर्ता है इनका जो संगठन वो एक्टिव है? देखिए, फिलहाल ये कह सकता है कि जिस तरीके के इनपुट एनआईए के कहीं ना कहीं ये इस तरीके के इनपुट एनआईए के पास थे कि पीएफआई के टीम के साथ में कुछ लोग अंदर खाने यहाँ पर काम करने में जुड़े हुए थे और अंदर ही अंदर नेटवर्क जो है यहाँ पर वो चला रहे थे। इसी नेटवर्क की सूचना के आधार पर एनआईए की टीम पहुंची थी अब से कुछ समय पहले, यानी कि पिछले छह महीने की अगर बात की जाए तो उसमें उस छह महीने की अवधि के दौरान तीन बार इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है और पीएफआई से जुड़े जो लोग थे उनको हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन इसी के इनपुट के आधार पर लगातार जो एनआईए की टीम है वो इनपुट को पे काम कर रही थी और इनपुट के बाद में कुछ लोगों के नाम और सामने आए थे संभवतः, और इसी के बाद में एनआईए की टीम अब इन्हीं को लेकर के कोटा पहुंची थी। हालांकि किसी तरीके के मेन दफ्तर या इस तरीके के देखने को नहीं मिलते हैं पीएफआई के फिलहाल यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग अंदर खाने इस नेटवर्क को लगातार चला रहे हैं और इस नेटवर्क की जो सूचना थी वो एनआईए तक पहुंची थी और इसी सूचना के आधार पर एनआईए की टीम ने आज कोटा में तीन जगह कार्रवाई की है। और आगे जिस तरीके से लोगों की हिरासत में लिए जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, कार्रवाई होती है, उसके बाद में पता लग पाएगा कि कौन कौन लोग इनके किस तरीके से नेटवर्क को चला रहे थे, फंडिंग कहाँ से आ रही थी, ये तमाम सवाल हैं, इनके जो जवाब है वो भी कुछ समय बाद मिल पाएंगे। जी, क्योंकि बड़ी चीज़ ये है ना कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जब पीएफआई पर बैन हुआ 5 साल के लिए, उसके बाद किस तरीके से राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो एनआईए है वो काफ़ी एक्टिव रही है। करीबन हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां हुई उस महीने जब जो है पीएफआई को बैन किया गया। उसके बाद में लगातार जैसा कि आप बता रहे हैं कि अंदर खाने कहीं ना कहीं ये लोग भले ही बोर्ड ना लगाए दफ्तर के बाहर, लेकिन अंदर खाने ये लोग अभी भी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। अब ऐसे में कोटा की अगर हम बात करें, समझे आपसे, चूंकि आप वहीं पर रहते हैं, सब चीज़ें देखते समझते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर गिरफ्तारियां यहां पर होती हैं तो क्या यह माना जाए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और आज जो छापा पड़ा है इससे उनको क्या हासिल हुआ है यह भी जरा बताइए, अगर कुछ इनपुट्स अंदर खाने से मिला हो आपको तो? के देखिए, कल सुबह ये कार्रवाई हुई थी एनआईए की टीम जब कोटा पहुंची थी और कहीं ना कहीं देखिए इनपुट एनआईए के पास होता है, चूंकि पिछली कार्रवाई पर नजर डालें तो एक लंबा नेटवर्क निकल करके आया था, जो जिला अध्यक्ष वो भी यहाँ पर गिरफ्तार हुआ था। इससे पहले अक्रॉस इंडिया में छापे देखने को मिले, आज भी बताया जा रहा है कि कोटा के अलावा भी प्रदेश में कई जगह छापामारी कार्रवाई एनआईए की गई है और उसी चैन के अंदर इस कोटा के अंदर भी एक टीम पहुंची थी। तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नेटवर्क पीएफआई का सक्रिय था, पिछली कार्रवाई के अंदर भी देखा सक्रिय जो नेटवर्क, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये
सक्रिय था, एक्टिव था, शायद इसीलिए राष्ट्रीय जो जांच एजेंसियां हैं वो यहां पर पहुंची हैं और ये कार्रवाई हो रही है। आप फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी। सीएम गहलोत।